विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज के निधन से हर कोई दुखी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत देश दुनिया के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने यहां सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। इस दौरान सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन कर प्रधानमंत्री बेहद भावुक भी हो गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब विचारधारा और बीजेपी के हितों का मामला होता था तो सुषमा स्वराज कभी भी समझौता नहीं करती थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालत में उन्हें रात 9 बजे एम्स लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज डेस्क।